हेलो गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें 219,000 लाइक आ चुके हैं। तो गाइस, अगर आप भी इस साउंड पर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो भी यहाँ पर वायरल हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैनमास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कैनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कैनमास्टर ऐप को ओपन करना है। कैनमास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए पर्सनल ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, यहाँ से आपको 960 की साइज को सिलेक्ट करना है। लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, यहाँ से आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको इसमें 5-6 वॉलपेपरों को सिलेक्ट करना है। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इसमें 6 वॉलपेपरों को सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से गाइस, आपको भी 5-6 वॉलपेपरों को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको फर्स्ट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। गाइस, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पैन एंड जूम वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, आपको वॉलपेपर को लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है। इस तरह से वॉलपेपर को आपको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है। अब गाइस, आपको नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। आपको वॉलपेपर को राइट साइड में स्क्रॉल कर देना है, इस तरह से। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें एक साउंड वाली वीडियो को इसमें सेलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट साउंड यूज हो गया, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस, आपको इस समय साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद गाइस, आपको यहाँ से नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एस्ट्रिक आइडो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो का साउंड निकल कर यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस, आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारी वीडियो डिलीट हो चुकी है। इस तरह से आपको वीडियो को डिलीट करना है। अब गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर को इस तरह से जूम कर लेना है। जूम होने के बाद गाइस, आपको फर्स्ट वॉलपेपर की लेयर को इस तरह से गाइस, आपको इसकी डायरेक्शन को 7 सेकंड तक लंबा कर देना है। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने वॉलपेपर की डायरेक्शन को 7 सेकंड तक लंबा कर दिया है। गाइस, आपको भी इसी तरह से वॉलपेपर को साउंड के हिसाब से सेट करना है। यहां से आपको इसको डन करना है। गाइस, आपको सेकंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, यहां से आपको साउंड को यहां पर नीचे से देखते जाना है और वॉलपेपर को सेट करते जाना है। यहां से गाइस, आपको सेकंड वॉलपेपर को कट करना है। गाइस, आपको साउंड को सुनते जाना है और वॉलपेपर को सेट करना है। यहाँ से गाइस, आपको वॉलपेपर को कट करना है। कट करने के लिए आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर कट हो चुका है। यहाँ से गाइस, आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस, आपको तीसरे वॉलपेपर पर क्लिक करना है। आप साउंड को सुनकर भी वॉलपेपर को कट कर सकते हैं। गाइस, आपको कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वॉलपेपर कट हो जाएगा, नहीं यहाँ से आपको इसको डन करना है। अब गाइस, आपको चौथे वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस, आपको वॉलपेपर को कट करना है। कट करने के लिए आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। इस तरह से गाइस, आपको सभी वॉलपेपर को कट कर लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सही वॉलपेपर को यहाँ पर सेट कर लिया है। अब गाइस, आपको वॉलपेपर के बीच में प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ से गाइस, आपको सेकंड वाले ट्रांजेक्शन इफेक्ट को डाउनलोड करना है।
गाइस आपके सामने इस तरह से इफेक्ट आ जाएंगे। तो आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है एक्शन वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ से गाइस आपको इस समय सेकंड वाले इफेक्ट को डाउनलोड करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमें राइट साइड में सेकंड वाला इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस यहाँ से आपको राइट साइड में एक डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ से गाइस आपको सेकंड वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद चौथे नंबर वाले इफेक्ट को इसमें लगा देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। फिर से गाइस आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेकंड वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है और चौथे वाले इफेक्ट को इसमें लगा देना है। इस तरह से गाइस आपको सभी प्लस वाले ऑप्शन पर चौथे वाले इफेक्ट को लगा देना है। तो चलिए हम लगा देते हैं। तो चलिए गाइस हम अपनी वीडियो को साउंड के हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो गाइस आप साउंड को सुनकर भी अपने वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साउंड हमारा आ रहा है, इसकी लेंथ को गाइस हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। यहाँ पर गाइस हमारा एक साउंड आ रहा है। तो यहाँ गाइस आप साउंड को सुनकर भी वॉलपेपरों को सेट कर सकते हैं इस तरह। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट कर लेना है। अब गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इफेक्ट फुल स्क्रीन में लग जाएगा। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है स्पीड स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। तो गाइस आपका जहाँ से फर्स्ट वॉलपेपर ख़त्म हो रहा है यहाँ से आपको इफेक्ट वीडियो को कट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से फर्स्ट वॉलपेपर ख़त्म हो रहा है। तो आपको इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी इफेक्ट वीडियो कट हो जाएगी। इस तरह से आपको इफेक्ट वीडियो को कट करना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। गाइस आपको इस तरह से बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। गाइस आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से रील्स वायरल ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।